फीफा विश्व कप 2018 के पहले मैच में रूस के हाथों मात खाने वाली सऊदी अरब की टीम के कुछ खिलाड़ियों पर हार के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रूस ने विश्व कप के ग्रुप ए के मैच में सऊदी अरब को 5-0 से हरा दिया था। समाचार एजेंसी तास ने सऊद अरब फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष आदित इज्जाद के हवाले से लिखा है कि हम हार से काफी निराश हैं। उन्होंने कहा कि यह परिणाम बेहद असंतोषजनक है क्योंकि इससे हमारे द्वारा की गई तैयारियों का पता चलता है। उन्होंने कहा कि कई खिलाड़ियों पर जुर्माना भी लगेगा, इनमें गोलकीपर अब्दुल्लाह अल मायूफ, स्ट्राइकर मोहम्मद अल सहलावी और डिफेंडर उमर हवास्वी के नाम शामिल हैं। सऊदी अरब को अपने अगले मैच में उरुग्वे से 20 जून को रोस्टेवोंडोन में भिड़ना है। सऊदी अरब फुटबॉल टीम के कोच जुआन एंटोनियो पीजी को रूस के खिलाफ फीफा विश्व कप में खेले गए पहले मैच में हार के बाद अपने पद से बर्खास्त होने का डर नहीं है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट की माने तो रूस ने गुरुवार रात खेले गए मैच में सऊदी अरब को 5-0 से हरा दिया था। सऊदी अरब खराब परिणामों के कारण नियमित रूप से अपने कोचेस के उनके पद से बर्खास्त करता रहा है। 2013 के बाद अब तक टीम में 5 अलग अलग कोच शामिल हो चुके हैं। फ्रांस में खेले गए 1988 विश्व कप में सऊदी फुटबॉल संघ ने टूर्नामेंट के बीच में ही कोच कार्लोस अल्बर्टे परेरा को उनके पद से हटा दिया था। इसके 4 साल बाद परेरा ने ब्राजील को अमेरिका में फुटबॉल जगत में बेहतरीन जीत दिलाई। लुजिनकी स्टेडियम में खेले गए मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में पीजी ने कहा कि मैं अपने काम में सिद्धांत के साथ चलता हूं कि मैं हमेशा सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करूं। मैं उन फैसलों को लेकर चिंतित नहीं हो सकता जो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। मैं अपना काम करता रहूंगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।